नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। दर्शकों, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ई रिक्शाओं के कारण जाम की समस्या देखने के लिए मिलती है। जाम की समस्या को दूर करने के लिए रूट और रंग निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि शहर में ई रिक्शाओं के कारण जाम की समस्या अधिक देखने के लिए मिल रही है, जिससे कि लोगों को आवागमन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए 6 रूटों पर ई रिक्शाओं का संचालन किया जाएगा, साथ ही 25 स्टॉपेज भी बनाए गए हैं। दर्शकों, ई रिक्शाओं के द्वारा लगने वाले जाम को समाप्त करने के लिए नगर आयुक्त SP ट्रैफिक RTO अधीक्षण अभियंता ने बैठक कर रूपरेखा तैयार की है। इसी क्रम में मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने अधिकारियों से ई रिक्शा का रूट रंग निर्धारित करने को कहा है। अधिकारियों ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ई रिक्शा संचालन व स्टॉपेज के लिए रूट निर्धारित कर दिए हैं। दर्शकों, अब आपको रूट और रंग के बारे में जानकारी देते हैं। पहले रूट पर चलने वाली ई रिक्शा का रंग लाल होगा, जो रेलवे जंक्शन से सुभाष नगर पुलिया, चौपला चौराहा, खलील तिराहा, नवल्टी चौराहा, पुराना बस अड्डा, शिकलापुर चौराहा, बरेली कॉलेज तिराहे से पटेल चौक तक होते हुए चौपला जाएगा। दूसरे रूट पर चलने वाले ई रिक्शा का रंग पीला होगा, जो सैटेलाइट से शाहमजगंज चौराहा, कालीबाड़ी मंदिर, बरेली कॉलेज तिराहा, पटेल चौक, नवल्टी चौराहा, पुराना बस अड्डा, शिकलापुर चौराहा होते हुए सैटेलाइट तक जाएगा। तीसरे रूट के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरे रूट पर चलने वाले ई रिक्शा का रंग नीला होगा, जो रेलवे जंक्शन से अक्षय विहार, तिराहे से बियावानी कोठी होते हुए सैटेलाइट तक जाएगा। चौथे रूट की बात करें, चौथे रूट पर चलने वाले ई रिक्शा का रंग हरा होगा, जो कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप तिराहे से कुदेशिया फाटक होते हुए इज्जतनगर स्टेशन तक जाएगा। पांचवें रूट पर चलने वाले ई रिक्शा का रंग काला होगा, जो इज्जतनगर स्टेशन तिराहे से अपार्टमेंट फ्लाईओवर होते हुए किला क्रॉसिंग तक जाएगा। और छठे रूट पर चलने वाले ई रिक्शा का रंग बैगनी होगा, जो डेला पीर से संजय नगर तिराहे से होते हुए इटपजा चौराहे से शामजगंज पुल होते हुए साईं मंदिर से बरेली कॉलेज पूर्वी गेट होते हुए गांधी उद्यान तक जाएगा। दर्शकों, आपको बता दें कि ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी ई रिक्शा का संचालन नहीं कर सकता। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो 2 माह में अपना ड्राइविंग लाइसेंस RTO कार्यालय बरेली से बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही ई रिक्शा में नियमानुसार सामान ढोने का प्रयोग नहीं किया जाएगा और नेशनल हाईवे पर नियमानुसार किसी भी दशा में ई रिक्शा का संचालन भी नहीं किया जाएगा और देहात क्षेत्र के ई रिक्शा केवल देहात क्षेत्र में ही संचालित होंगे।